नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। नाली बन रही दुर्घटना का कारण, रायसेन के दशहरा मैदान का मार्ग वैसे भी जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है। ऊपर से नगर पालिका द्वारा एक नाली खोद दी गई है, जिसकी वजह से वहां रोजाना दुर्घटना हो रही है। दशहरा मैदान में एक तरफ केंद्रीय विद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज एवं खेल परिसर है। स्कूल एवं कॉलेज जाने के लिए सैकड़ों विद्यार्थी यहां से गुजरते हैं। वहीं प्रातःकाल आम नागरिक यहां पर घूमने आते हैं। यहीं पर मुक्ति धाम, एक नागरिक बताते हैं कि कल यहां पर एक अंत्येष्टि में 3 से 4 लोग इस नाली के कारण गिरकर घायल हो गए। वहीं एक और नागरिक ने बताया यहाँ रोजाना 2 पहिया वाहन फिसल रहे हैं। नाली खुद जाने के कारण वहाँ एक पाइप लाइन भी फूट गई है, जिससे लगातार पानी की बर्बादी हो रही है। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। हम जिस मार्ग पर खड़े हैं, उस मार्ग की खबर हमने चैनल पर चलाई थी कि यह मार्ग अति जर्जर हो चुका है। आप मेरे इस तरफ देखिए, यह मार्ग जाता है केंद्रीय विद्यालय की ओर। यह मार्ग भी काफी जर्जर हो चुका है और सैकड़ों बच्चे और वाहन यहाँ से होकर गुजरते हैं। खबर चलने के बाद नगर पालिका ने इस मार्ग को सुधारा तो नहीं, बल्कि एक नाली और खोद दी गई है, जिससे आने जाने वाले लोग चोटिल हो रहे हैं। यही पीछे मुक्ति धाम है, जहां पर सबों का दाह संस्कार किया जाता है। आज हमें कुछ यहां बुजुर्ग मिले, उन्होंने बताया कि कल यहां एक अंतिम संस्कार किया गया था, जिसमें आए हुए लोगों को चोटिल होना पड़ा, क्योंकि वह यहां पर गिर गए थे। वहीं एक बात और मैं बता दूं आपको कि ये नाली खुदने से यहाँ की एक पाइपलाइन डली थी, वो फूट गई है, जिससे पानी की बर्बादी भी हो रही है। लोगों का कहना है कि नगर पालिका को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अब देखना यह है कि ये खबर चलने के बाद नगर पालिका कितनी जागृत होती है। नगर पालिका द्वारा ये ठेकेदार के द्वारा पाइप लाइन जोड़ने के लिए यह नाली खोदी गई है। इसमें पानी भर रहता है, अत्यधिक कीचड़ हो रहा है, जिससे आम पब्लिक बहुत परेशान हुए। अभी 2-3 दिन पहले एक मोटरसाइकिल यहाँ गिर गई, बुरी तरह वो घायल हो गया। तो जो हमें यही है प्रशासन से कि भैया इसको ठीक कराएं, इससे पब्लिक को परेशानी ना हो, ठीक है, यही उम्मीद है। नगर पालिका तो खुद को ध्यान नहीं दे रही है, देना चाहिए इस पर थोड़ा। क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई, हम आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि भाई ये पाइप लाइन डाली गई, इसको जो है डाल दी, गड्ढा हो गया है, पानी बह रहा है, फूटी है, लोग बाग निकलते हैं, गिरते हैं, परेशानी हो रही है, हैं? भाई यदि मजबूरन देखेंगे, यदि शासन नहीं करेगा तो भाई सब लोग, हम बुजुर्ग लोग मिलकर हम लोग जन सहयोग से हम लोग करेंगे, फिर क्या करेंगे, लोगों को गिरने से बचाएंगे। तो ये गड्ढे को मिट्टी डलवा के इसको पूरा कराना चाहिए, ताकि जो लोगों को परेशानी ना हो। पाइप फूटा है। क्या कहना चाह रहे हैं? ये पुरन तालाब वाला शमशान घाट है। कल ही शिवनारायण तिवारी की पत्नी शांत हुई थी, काफी भीड़ इकट्ठी हुई थी यहाँ, और ये नगर पालिका का पाइपलाइन टूटी हुई है और गड्ढा है, तो काफी लोग रोज गए। कल इतने लोग गिरे, 4-6 लोग गिरे, सब लोग सुबह शाम परेशान हो रहे हैं। नगर पालिका कर्मचारी देख नहीं रहे हैं, पानी फैल रहा है और गड्ढा है, लोग रोज सुबह शाम गिर रहे हैं बेचारे। इसलिए इसकी मरम्मत की जाना बहुत आवश्यक है। नगर पालिका के कर्मचारियों से बताया भी गया है इसके बारे में कि भैया इसको ठीक करवा दो, ठीक करवा दो, तो वो बोलता है कि अपना काम नहीं है, वो दूसरी टीम है, उनसे करवाओ। तो आपने नगर पालिका में शिकायत नहीं की? नगर पालिका में शिकायत इसलिए नहीं करा कि कर्मचारियों से बोल दिया कि करवा देंगे, अब नहीं सुन रहे हैं, तो मजबूर होकर के जाना पड़ेगा नगर पालिका। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जहाँ समतल जगह है वहाँ पर जेसीबी मशीन से बढ़िया और उसको समतल किया जा रहा है। ये शहर को जोड़ने वाला मार्ग बीच रोड में खोद करके नई पाइप लाइन डाली गई है। इसमें बुजुर्ग और नौजवान मोटरसाइकिल लेकर के जाता है, इसमें गिर जाता है। ये आप जीता जागता उदाहरण देख रहे हैं, पानी ये पूरा बर्बाद हो रहा है, जिसको पानी नहीं मिल रहा है, पानी ये बर्बादी हो रहा है। तो आपके माध्यम से अगर ये इसका निराकरण हो जाए, ताकि बूढ़े बुजुर्ग इस नाले में गिर ना, ऐसा थोड़ा सा आप हम लोग की शिकायत को आगे बढ़ाइए। प्रशासन शायद चेत जाए, जाग जाए और ये कार्य करवा सके।